मैंने सिर्फ उस टीचर की जिद में किया था, उसने चैलेंज किया कि इंस्पेक्टर ही इंस्पेक्टर बना सकता है। मैंने कहा इंस्पेक्टर तो फुद्दू काट सकता है, इंस्पेक्टर कुछ नहीं बना सकता, टीचर ही इंस्पेक्टर बना सकता है। वही आप शिक्षक को किसी भी हालत में कम नहीं समझ सकते। कोशिश पूरी रहेगी सर। हाँ, कोशिश को बिल्कुल बदलो कामयाबी में। जब मेरा भी सिलेक्शन हुआ था ना 2014 वाले में, तो हम तो मैंने तो एक जिद में दिया था एग्जाम। एक टीचर थे हमारे बहुत सीनियर, नीतू मैम को पता है उनको पता है कि मैंने क्यों एग्जाम दिया था। नीतू मैम ने मुझे 10 बार कहा भी था कि आपको ज्वाइन थोड़ी करना है, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, जरूरत नहीं। मैंने उसकी जिद में दिया था। हाँ। जब मैंने मेरे डंडा उठा ना कि भाई मेरे को इंस्पेक्टर बन के दिखाना है, उस आदमी को मुझे बताना है कि बेटा तूने कह दिया ना। एक ने मुझे कहा था कि मतलब एक टीचर थे साथ के, मेरे लिए बड़े रेस्पेक्टिव है क्योंकि उन्होंने हमें कुछ भी किया। देखो कोई आदमी आपको गाली देता है तो बिल्कुल सही बात है सर। मैं कब कौन यूट्यूब पे आके मैं पढ़ाने की मेरी इच्छा थी, मैं तो शांति से अपना काम कर रहा था। जब कोई आके गाली बकते हैं लगातार, तभी तो आदमी मोटिवेट होता है, चलते रहिए एसएससी सीखा तो उसी चक्कर में मैंने एसएससी का फॉर्म भरा था। उसने ऐसे टिंटोंग मारी थी कि इंस्पेक्टर ही इंस्पेक्टर बना सकता है, टीचर इंस्पेक्टर नहीं बना सकता। अच्छा। हाँ, मतलब बहुत बहुत सीनियर टीचर थे और खुद भी इंस्पेक्टर थे। कह रहा मेरे से हाथ भी नहीं मिलाया था जीने में चढ़ते, मैंने ऐसा हाथ किया, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया मुझसे, जबकि मैं उस समय पढ़ा रहा था और मेरे पास अच्छे खासे बच्चे पढ़ रहे थे। मैं नीतू मैडम के यही पढ़ा रहा था, तो उन्होंने मतलब मेरे को टिंटोंग कसी। उसके बाद मैंने उस समय तो ये हालत थी कि मेरे मन में थी कि यार मैं 2 महीना ना कहीं कोचिंग ले लूं इंग्लिश की और कहीं पढ़ लें। लेकिन समस्या ये थी कि ऑफलाइन कोचिंग में जा नहीं सकते थे, ऑनलाइन कंटेंट होता ही नहीं था, यूट्यूब उस समय था ही नहीं इतना फेमस कुछ, और उस समय डाटा भी नहीं था और कोई टीचर भी नहीं था। रीजनिंग में भी यही हालत थी, जीएस में भी यही हालत थी, तो हमारे लिए तो सिलेक्शन लेना मील का पत्थर हो रहा था। आप इंग्लिश पढ़ना चाह रहे हो, इंग्लिश बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल रही गूगल। हमारी हालत देखो ना, हमारे मन में रहता है कि रीजनिंग कहीं देख ले यार, पेपर दे के आना, इंस्पेक्टर बन के दिखाना है। अब चैलेंज तो ठोक दिया, इंस्पेक्टर बने कैसे, रीजनिंग आती नहीं है, आती है तो पूरा डिटेल करना पड़ रहा है। शॉर्टकट किससे समझे, अब शॉर्टकट समझने के लिए तो टीचर की क्लास में जाना पड़ेगा ऑफलाइन में। वहां इंसल्ट महसूस होती थी कि यार हम पढ़ा रहे हैं यहीं पे और बच्चे क्या सोचेंगे कि पढ़ा रहा है और खुद भी पढ़ने आ रहा है वहां पे। हमारे लिए बड़ी गनीमत मतलब बुरी हालत होती थी वहां पे। आज तो अगर उस समय यूट्यूब वाला होता तो हम तो बहुत फायदे में हो जाते। तो जो टाइम है ना वो बहुत रहता है, आज तो बच्चे को फायदा उठाना चाहिए। लेकिन अब एक हालत ये भी होगी कि YouTube से बच्चों के दिमाग में बीमारी भी बनी, सारा समय भी खराब कर रहा है, ओवर इंफॉर्मेशन हो गया, पूरे ओवर इंफॉर्मेशन, ओवर कंटेंट, ओवर में फालतू के मोटिवेशन करने में पड़े हैं सर बहुत लोग। मैंने सिर्फ उस टीचर की जिद में किया था, उसने चैलेंज किया कि इंस्पेक्टर ही इंस्पेक्टर बना सकता है। मैंने कहा इंस्पेक्टर तो फुद्दू काट सकता है, इंस्पेक्टर कुछ नहीं बना सकता, टीचर ही इंस्पेक्टर बना सकता है। वही आप शिक्षक को किसी भी हालत में कम नहीं समझ सकते। हाँ, आपने चैलेंज दिया है ना ये, तुम इंस्पेक्टर बन के दिखाओ, तो मैं इंस्पेक्टर बन के दिखा देता हूँ, मेरी जितनी हिम्मत है मैं उसकी कोशिश करूंगा। लेकिन मैंने उसको इस सिद्ध करके दिखाया और सिलेक्शन ले लिया। उसके बाद मैं उसके पास मिलने भी गया, मैंने कहा सर हुआ आपकी वजह से ही है, क्योंकि आपने डंडा चढ़ा दिया दिमाग में, कीड़ा पैदा कर दिया और खुंदक चढ़ गई तो चढ़ गई फिर। लेकिन ये तय है कि इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर नहीं बना सकता, कोई माइक लाल इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर नहीं बना के देगा, टीचर ही इंस्पेक्टर बना के देगा। इंस्पेक्टर तो फुद्दू काटेगा, वो कहां से बना देगा इंस्पेक्टर को। भाई पढ़ाने का काम तो टीचर कर सकता है, इंस्पेक्टर कैसे कर देगा पढ़ाने के काम को। पढ़ाना तो एकदम अलग चीज है यार, पढ़ाना एक डिफरेंट आर्ट है, बहुत अलग स्किल है, उसको नहीं कर सकता, नहीं कर सकते ना। पर वो बस कई बार क्या होता है कि मोटे दिमाग के हम लोग भी मोटे अनाज खाते हैं। कंटेंट पढ़ना और कंटेंट क्रिएट करके पढ़ाना, वो डिलीवर करना बच्चों को समझ में आए उस तरह से, वो बहुत अलग चीज है।